अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम केराटिन ट्रीटमेंट करेंगे और वो भी घर पर, और जिसका रिजल्ट सेम होगा जैसे आप पार्लर्स में जाके करवाते हैं। अगर आपको केराटिन ट्रीटमेंट का नहीं पता तो अमूमन वो सजेशन दी जाती है केराटिन ट्रीटमेंट करें उन लोगों को जिनके बाल फिजी भी हो जाते हैं, डैमेज हुए होते हैं केमिकल इस्तेमाल करने की वजह से, बालों में हेयर ड्राई या स्ट्रीकिंग वगैरह करवाने से, या जिनके बाल कर्ली भी होते हैं उनके भी स्ट्रेट हो जाते हैं इससे। तो ये केराटिन ट्रीटमेंट बेसिकली प्रोटीन देता है आपके बालों को, जिसकी वजह से आपके बाल शाइनी भी देते हैं, स्मूथ भी हो जाते हैं और एक स्ट्रेट लुक आती है बालों की। तो बहुत सारे लोग इसको करते हैं और उसका रिज़ल्ट भी मिलता है। लेकिन जो अब हम घर में कर रहे हैं इसका रिज़ल्ट भी सेम होगा जैसे आप पार्लर में करेंगे। पार्लर्स में क्योंकि एक वो जो प्रोटीन लगाया जाता है उसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। एक तो वो आपके सर के चुल्पे नहीं लगाते, वो आपके बालों पे ट्रीटमेंट होता है और उसको वक्ती होता है, 6 मंथ के बाद उसका ख़त्म हो जाता है, 3 to 6 मंथ, डिपेंड करता है कि आपके बाल कैसे हैं, कितने डैमेज है, उसके बाद दोबारा वो ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। वो ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है और वो हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और अगर वो करते भी हैं तो बास लोगों को इतना अफेक्ट भी नहीं होता। जो मैं आपको ट्रीटमेंट घर में बता रही हूँ, एक तो इफ़ेक्टिव भी होगा और ये उसके मुकाबले में बहुत सस्ता है, चीप है। और जो चीज़ें हमने 3 आसान सी चीज़ें जो आसानी से मिल जाती है, जो अमूमन घर में पाई जाती हैं, उसको आपने इस हेयर मास्क हमने बनाना है जो केराटिन ट्रीटमेंट जैसा ही हेयर मास्क होगा, आप अप्लाई करेंगे और उसका वैसा ही रिज़ल्ट आएगा। तो मैं आपको कहूँगी कि एक दफ़ा केराटिन ट्रीटमेंट अगर आपका इरादा है करने का पार्लर में जाके तो ज़रूर करें, लेकिन उससे पहले इस ट्रीटमेंट को घर में ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि इसका सेम रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो चले हम ट्रीटमेंट वो मास्क हम बनाते हैं और मैं बताती हूँ कैसे आपने करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसको बनाने से पहले आपका सर वॉश होना चाहिए। अगर वॉश नहीं है तो नीम गर्म पानी में, बेशक गर्मियाँ लेकिन फिर भी अगर नीम गर्म पानी आ रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें नीम, क्योंकि इसको हमने मास्क को अप्लाई करना है, अपने सर की चिल्क तक अप्लाई करना है कि जो प्रोटीन हो वो आपके सर की चिल्क के अंदर तक जाए, तो बेहतर ये है कि उसके जो पोर्स हैं वो ओपन हो। तो वो नीम गर्म पानी, जो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी, उससे अपना सर वॉश कर लें आप। कोई भी शैम्पू जो आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा था, सल्फेट फ्री होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर जो आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं आप उससे सर वॉश कर लें। और उसके बाद आपने, अब हमने इस मास्क को अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें उसके लिए चाहिए 2 चम्मच चावल, ठीक हो गया, और उसके अंदर हम तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी डालेंगे और उसको हम उबालेंगे, और तब तक उबालेंगे जब थोड़ा सा पानी रहता हो चावलों में, ठीक है, क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना है आखिर में। तो उसको उतना पकाएं, जब वो पक गया तो उसको साइड पे रख दें। उसके बाद हमें चाहिए फ्लैक्स सीड चाहिए, जो आराम से अवेलेबल है, आपको हर जगह से मिल जाएगा, उसको आपने ले लेना है। और उसका हमने, क्योंकि जेल निकालना है, तो उसके अंदर हमने 2 चम्मच ये लेके फ्लैक्स सीड भी, और उसके अंदर हमने 1 कप पानी डाल देना है, उसको बॉयल करना है, क्योंकि इसके अंदर से हमने जेल हमने लेनी है। तो आपने इसको पकने देना है जब तक कि जेल ऊपर ना आ जाए और आपको स्टिकनेस नज़र आए कि स्टिक हुई हुई, तो उसके बाद हमने इसको बंद कर देना है, या तो आपके पास कॉटन का कोई कपड़ा है उससे आप इसको निचोड़ के निकाल लें इसके जो जेल है, नहीं तो मेरे पास नहीं था तो आप छानने में भी डाल के, जैसे चावल जिसमें छानते हैं उसके अंदर आप डाल के उसको जेल निकाल लें, ठीक हो गया। और दूसरी, ये मैं अपने बालों के मुताबिक बता रही हूँ आपको, आपने अपने मुताबिक, आपके बालों की जितनी लेंथ है उसके मुताबिक, अगर आपके चावल, अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप चावल ज़्यादा डालेंगे और फ्लैक्स सीड भी ज़्यादा डालेंगे, ठीक हो गया, ताकि वो आपके पूरे बालों पे हमने अप्लाई करना है जड़ से लेकर आखिर तक, तो आपने उतना ही अपने बालों के मुताबिक इसको बढ़ा देंगे, ठीक हो गया। अब इन दोनों को आपने मिक्स कर लेना है आपस में, जब थोड़े थोड़े नीम गर्म हो, और उनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ठंडा होने दें, जब थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो जाए ताकि हमने ब्लेंड करना है। उससे पहले हमने 1 चम्मच इस नीम गर्म ही जो हमने मटेरियल बनाया है, 1 चम्मच हमने इसमें एलोवेरा जेल डाल देना है, ठीक हो गया, और इसके बाद हमने ब्लेंडर में डाल दें और ब्लेंड कर देना है, और एक स्मूथ किस्म का आपको नज़र आए, एक स्मूथ किस्म का आपको पेस्ट नज़र आ रहा होगा, उसको हमने अपने बालों पे अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है या ऑलिव ऑयल है, दोनों में से जौन सा भी ऑयल है, या बादामों का ऑयल है या कद्दू के बीज का ऑयल है, जौन सा ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं, इन
ऑयल्स में उनको हमने एक चम्मच इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, पेस्ट के अंदर हमने डाल देना है जब पेस्ट बन जाएगी। और उसके बाद हमने अपने बालों पे अप्लाई करना है, पहले अपने आप उसके बाद कंघी भी कर लें सही तरह अपने बालों को, यानी कि सुलझे हुए बाल हों आपके, और उसके ऊपर आपने फिर ये ब्रश के साथ या हाथों के साथ जड़ से लेकर आखिर तक आप लेके जाएं, उसको यहाँ से लेके आखिर तक लेके जाएं। और उसको हमने एक घंटे से तकरीबन हमें 1.5 घंटा इसको अपने बालों पे लगे रहने देना है। लेकिन प्लीज़ इसको जब आप लगाएंगे तो अपने बालों को सीधा ही आपने रखना, नीचे आप टावर रख लें अपना, जितने आपके बाल हैं स्ट्रेट ही होने चाहिए कंघी करके वॉश, मतलब उसको जब लगाएं तो सीधा ही स्ट्रेट, क्योंकि हम वही लुक देना चाह रहे हैं जो केराटिन में है। तो हमने इसको सीधा ही रखना है अपने बालों को, आपने लपेट बंद करके जूरा बना के अपने बालों पर नहीं करना, क्योंकि फिर वो वैसे लुक नहीं आएगी और वैसा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो आप घंटे से 1.5 घंटा जितना आप रख सकते हैं उसको रखें, जितनी ज़्यादा देर रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। और उसके बाद आपने दोबारा शैम्पू से ही अपना सर को वॉश कर लेना है, ठीक हो गया। और आपको रिज़ल्ट, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आपको उसी वक्त रिज़ल्ट नज़र आएगा। और ये आप जो मास्क हैं ये चाहें तो आप हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें, 3 दफ़ा कर लें, आपके ऊपर है। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतने ही ज़्यादा इफेक्ट होगा, और ये आपके बालों के बेहतरीन है, फ्लैक्स सीड भी, चावल भी, और ऑयल भी, और जो एलोवेरा जेल डाला है, ये तीनों चारों चीज़ें मिलके आपके बालों को, जैसे आप कहते हैं ना खुराक जाती है, जैसे तेल का कबाने में कहा जाता है कि खुराक है बालों को, इसी तरह ये प्रोटीन है नेचुरल जो आपके बालों पे अंदर जाएगी और आपके बालों को एक बेहतरीन इफेक्ट देगी, क्योंकि ये 100% नेचुरल है, 100% ऑर्गेनिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, और अगर और इसका रिज़ल्ट कैसा है ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं, और मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।